सभोपदेशक अध्याय दो। सभोपदेशक अध्याय दो। मैंने अपने मन से कहा, चल मैं तुझको आनंद के द्वारा जांचूंगा, इसलिए आनंदित और मगन हो, परंतु देखो यह भी व्यर्थ है। मैंने हंसी के विषय में कहा, यह तो बावलापन है, और आनंद के विषय में कि उससे क्या प्राप्त होता है। मैंने मन में सोचा कि किस प्रकार से मेरी बुद्धि बनी रहे और मैं अपने प्राण को दाख मधु पीने से क्यों कर बहलाऊं और क्यों कर मूर्खता को थामे रहूं, जब तक मालूम न करूं कि वह अच्छा काम कौन सा है जिसे मनुष्य अपने जीवन भर करता रहे। मैंने बड़े बड़े काम किए हैं, मैंने अपने लिए घर बनवा लिए, मैंने अपने लिए दाख की बारियां लगवाई, मैंने अपने लिए बारियां और बाग लगवा लिए और उनमें भांति भांति के फलदायी वृक्ष लगाए, मैंने अपने लिए कुंड खुदवा लिए कि उनसे वह बन सींचा जाए जिसमें पौधे लगाए जाते हैं, मैंने दास और दासियां मोल ली और मेरे घर में दास उत्पन्न भी हुए, और जितने मुझसे पहले यरूशलेम में थे उनसे कहीं अधिक मैं गाय बैल और भेड़ बकरियों का स्वामी था। मैंने चांदी और सोना भी और राजाओं और प्रांतों के बहुमूल्य पदार्थों का संग्रह किया। मैंने अपने लिए गवैये और गाने वालियों को रख लिया और बहुत सी कामिनियां भी जिनसे मनुष्य सुख पाते हैं अपनी कर ली। इस प्रकार मैं अपने से पहले से सब यरूशलेम वासियों से अधिक महान और धनाढ्य हो गया, तो भी मेरी बुद्धि ठिकाने रही और जितनी वस्तुओं के देखने की मुझे लालसा हुई उन सबों को देखने से मैं न रुका। मैंने अपना मन किसी प्रकार का आनंद भोगने से न रोका, वरन मेरा मन मेरे सब परिश्रम के कारण आनंदित हुआ और मेरे सब परिश्रम से मुझे यही भाग मिला। तब मैंने फिर से अपने हाथों के सब कामों को और अपने सब परिश्रम को देखा, तो क्या देखा कि सब कुछ व्यर्थ और वायु को पकड़ना है और संसार में कोई लाभ नहीं। फिर मैंने अपने मन को फेरा कि बुद्धि और बावलेपन और मूर्खता के कार्यों को देखूं कि जो मनुष्य राजा के पीछे आएगा वह क्या करेगा, केवल वही जो होता चला आया है। तब मैंने देखा कि उजियाला अंधियारे से जितना उत्तम है उतना बुद्धि भी मूर्खता से उत्तम है। जो बुद्धिमान है उसके सिर में आंखें रहती है, परंतु मूर्ख अंधियारे में चलता है। तो भी मैंने जान लिया कि दोनों की दशा एक सी होती है। मैंने मन में कहा, जैसी मूर्ख की दशा होगी वैसी ही मेरी भी होगी, फिर मैं क्यों अधिक बुद्धिमान हुआ। तब मैंने मन में कहा, यह भी व्यर्थ ही है, क्योंकि न तो बुद्धिमान और न मूर्ख का स्मरण सर्वदा बना रहेगा, क्योंकि भविष्य में सब कुछ समाप्त हो जाएगा और बुद्धिमान क्यों कर मूर्ख के समान मरता है। इसलिए मैं अपने जीवन से द्वेष रखता हूं, क्योंकि जो काम संसार में किया जाता है मुझे बुरा मालूम होता है, क्योंकि सब कुछ व्यर्थ और वायु को पकड़ना है। और मैंने अपने सारे परिश्रम के प्रतिफल से जिसे मैंने धरती पर किया था उदास हुआ, क्योंकि अवश्य है कि मैं उसका फल उस मनुष्य के लिए जो मेरे बाद आएगा छोड़ जाऊं। यह कौन जानता है कि वह मनुष्य बुद्धिमान होगा व मूर्ख। तो भी जितना परिश्रम मैंने किया और उसके द्वारा धरती पर बुद्धि प्रकट की उसके फल का वही अधिकारी होगा, यह भी व्यर्थ ही है। तब मैं पलटकर उस सारे परिश्रम के विषय में जो मैंने धरती पर किया था अपने मन में निराश हुआ, क्योंकि ऐसे मनुष्य भी है जिसके परिश्रम का कार्य बुद्धि और ज्ञान से होता है और सफल भी होता है, तो भी उसको ऐसे मनुष्य के लिए जिसने उसमें कुछ भी परिश्रम न किया हो छोड़ जाना पड़ता है कि उसी का भाग हो जाए, यह भी व्यर्थ और बहुत ही बुरा है, क्योंकि मनुष्य
जो धरती पर मन लगा लगा कर परिश्रम करता है उससे उसको क्या लाभ होता है? उसके सब दिन तो दुख से भरे रहते हैं और उसका काम खेत के साथ होता है, वरन रात को भी उसका मन चैन नहीं पाता, यह भी व्यर्थ ही है। मनुष्य के लिए खाने पीने और परिश्रम करते हुए अपने जीवन को सुखी बनाने के सिवाय और कुछ भी अच्छा नहीं है। मैंने इसको भी देखा कि यह भी परमेश्वर की ओर से मिलता है, क्योंकि खाने पीने और सुख भोगने में मुझसे अधिक समर्थ कौन है? जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है उसको वह बुद्धि और ज्ञान और आनंद देता है, परंतु पापी को वह दुख भरा काम ही देता है कि वह उसको देने के लिए संचय करके ढेर लगाए जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा हो, यह भी व्यर्थ और वायु को पकड़ना है।